भाई लोग, अभी हैं हम पदुम से लमायरू के रास्ते में और यहाँ पे अलग अलग कलर के पहाड़ आ रहे हैं। मतलब ये हरा पत्थर है, पीछे बैंगनी पत्थर गया है, मतलब ये देखो दोबारा अलग अलग कलर आ रहे हैं निकल के पहाड़ों में। कहीं कोई भी कलर, ये देखो यहाँ पे कैसा कलर है। कौन सा लें, कौन सा रास्ता लें हम? मनाली जंस्कार कहीं पे कोई बोर्ड नहीं है क्या यहाँ पे? और ले तो हमें कहाँ जाना है? क्या पता, हम जा रहे हैं लमायरू। तीन बोर्ड है जंस्कार मनाली वाले का, ये तो रास्ता नहीं होगा नीचे वाला, और क्या होना है? एक काम करते हैं, रुकते हैं, हमको आने दे, फिर डिसाइड करेंगे। साइड कर लेते हैं थोड़ा सा। मैंने तो बोर्ड भी नहीं पढ़े थे, बोर्ड नहीं पढ़े थे मैंने। बोर्ड ये यार है, यहाँ पे ही तो है ये रूट है। कहाँ मालूम, रुको मैं आया। अरे भाई साहब, लमायरू ले, लमायरू 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 यही जाएगा ले लमायरू। हाँ तो गाइस, यहाँ पे थोड़ा रास्ते की दिक्कत थी तो हमने उससे पूछ लिया था, तो इसके बाद अभी अब आपको मिलते हैं थोड़ी देर में। आप कुछ अच्छे अच्छे ड्रोन शॉट्स देख के आओ, ट्राई कंटिन्यू करते हैं।
शॉर्टकट लेने के चक्कर में मोहित गया गिर। किसने कहा था भाई शॉर्टकट लेने के? भाई क्लच प्लेट बंद हो जाएगी तेरी, तू ऐसे मत कर भाई, मत कर मोहित, ऐसे तेरी क्लच प्लेट फूक जाएगी। वो पता है मैंने मिट्टी में से चढ़ा दी भाई, गलत भाई, जब तेरे को दिख रहा है सीधा ये रास्ता आ रहा, नहीं मेरे पास हस्कवरना नहीं है, ये बुलेट है, बुलेट ले लेंगे हस्कवरना भी। ये समझ रहा 800 सीसी की बाइक है मेरे पास, अबे 400 है पर 400 भी नहीं चलती। ओ भाई मेरा वहाँ मोमेंटम टूट रहा है, वहाँ पे वो मोटर भाई, ओ रुक के भाई, रुक जाओ रुक जाओ, मेरे को जान दो, रेस लगा रहा है से वहाँ पैर से। भाई अगर तुम्हारा मोमेंटम टूटता तो वहीं खड़े हो जाओ। अबे सीन पता है क्या हुआ, ये लेफ्ट से गया शॉर्टकट, शॉर्टकट शॉर्टकट मारा ना, पिछले 1.5 किलोमीटर से फर्स्ट गियर में चल रही है मेरी कार। मोहित भाई कैसे लिखा है ट्रिप में, तीसरी चौथी बार पड़े ना अपनी जगह, चौथी बार पड़े ना। ये कांडी आदमी है, ये जान बूझ के ऐसी हरकतें करता है। पर यहाँ से क्यों आए, वो पूरा रास्ता तो है अच्छे से। अरे यार मैंने मिट्टी वाली नहीं, हमें चुंडियां काट रही है। लगा तो नहीं ना कहीं पे, मैं कहता हूँ गिरे तो भाई, गिरा तीसरी बारी हो, लगी एक बारी भी नहीं है। लगेगी कैसे, पैनियर तो लग रहे हैं बाइक में। कैसा रहा रंग बिरंगी पहाड़ों की, जबरदस्त मजा आ गया। और मैं चढ़ रहा हूँ, अरे यहाँ आके खड़ा हो गया, पहुंचे लाल भाई पहले जो कहता तो अगले प्रमाण किया लाल भाई ऊपर नहीं भाई, मैंने कहा हट जा, हॉर्न मार रहा हूँ, हट ही नहीं रहे, तो मैं जाऊंगा पहले। अरे वो भी ऐसे मैं धूल मिट्टी उड़ाते उड़ाते चले गए, मैं कहा भाई मेरे को जान दो नहीं तो मैं अटक जाऊंगा यहाँ। वो कार कौन सी कार आ रही है, देखो पजेरो, पजेरो पजेरो आ रही है। चलो यहाँ ज्यादा रुकना सेफ नहीं है, ऑक्सीजन कम है यहाँ पे। ये एल्टीट्यूड है 3850, कितना 3850 कितना होगा वैसे एल्टीट्यूड, 15,000 इतना फील नहीं हो रहा, 16-17,000 तो नहीं होगा ना, अभी वो एक आगे आएगा सबसे उसके पहले हम चले जाएंगे। एक गाड़ी आ गई, उसको मैं इतनी देर से डिप्पर मांग मार रहा हूँ, रुका ही नहीं ना, उसने मेरे को साइड दी और वो मोमेंटम टूटा और वो गाड़ी बिल्कुल अटक गई। तो अभी वहाँ मोहित की बाइक अटकी है, वो बहुत ज्यादा इंक्लाइन है थार के अंदर, अभी -20-21 दिख रहा है। तो भाई अब देखना है क्या होगा क्या नहीं होगा, पूरी पीछे लेके जानी पड़ेगी गाड़ी मेरे को, फिर एक ही बारी में चढ़ानी पड़ेगी। भैया किधर रह गए, पावर कम पड़ रहा है गाड़ी का, थार से खींच देते हैं, थार निकल जाएगी यहाँ, थार निकल जाएगी, थोड़ा इसको साइड में बढ़ा दो, आयो गाड़ी आगे ले भैया, रोक लो, बुलाऊं गाड़ी आगे, नहीं वो डैमेज हो जाएगा, पीछे रख लो ना थार को, आगे बुला लेते हैं, आगे ले आओ आगे, चाहे टूरिस्ट हो चाहे टैक्सी भाई, कॉर्पोरेट करना चाहिए आपकी। अगर मैं उसको कम से 200 मीटर तो होगा ना दूर, 200 मीटर तो होगा ना, वो नीचे हमारे भी वो हुआ ऐसा ही किया उन्होंने, क्या ऊपर और मोड़ पे खड़े थे, हमने डिपर मारा और हमने ऐसे हाथ किया बाइकर्स को निकल जाओ, ठीक है वो सामने आके खड़े, सामने आके खड़ा हो गया, फिर क्या बोलते हैं यहाँ पे कैसे कूद जाए, ऐसा बोल रहा है। वहाँ खड़ा था मैं और वो बंदा यहाँ से आ रहा था, उसको मैंने सारी लाइटें गाड़ी की ऑन कर दी, डिपर फ्लैशर सब मार दिया, फिर भी वो मेरे बोनेट पे आके खड़ा हो गया। अब ऐसे में मैं खेला होता तो क्या करता, अब मैं वापसी जाना पड़ता मनाली, मैं तभी इस रूट से नहीं आ रहा, मेरे को पता है ये तो, चलो थार थी तो चलो मैंने कहा संघर्ष कर लेते हैं। अब चलो जी टोरो भी आ गई है, ले लो उसमें लगाओ, बाद में इसमें लगाते हैं आगे पीछे करके, आपको गाड़ी तो चालू ही रखनी है, जैसे चलाना है ऐसे चलाना ही है। तो एक बंदा चला लो ना, मैं बाहर खड़ा होता हूँ ना, आप दोनों एक्सपीरियंस हो, मैं अंदर बैठता हूँ, बाहर खड़ा हो जाता हूँ। अब थार अपना जलवा दिखाने के लिए तैयार, कहाँ लगना मेरे को, हो गया ये तो मैं लगा देता हूँ, कोई नहीं कोई नहीं लगेगा, ला लगा दो, झटका भी तो नहीं मारना एकदम से, फंसेगा इसमें मतलब, तू ऐसे ऊपर से उड़ा दो, नीचे से मत उड़ाओ ऊपर से, हाँ ऐसे उड़ा दो, हाँ ऐसे ऐसे वो खींचेगा ना तो उड़ा ही रहेगा, हाँ
पर अब धीरे धीरे करना। पहला मैं धीरे धीरे करता हूँ, पकड़ते रहो। आ जाओ पहला वो केबल टाइट कर दे। धीरे धीरे चलो, पहले गाड़ी स्टार्ट करने दो इनको। चलो चलो धीरे धीरे चलना ताकि रस्सी खिंच जाए। खिंच गई रस्सी। हैंड ब्रेक उतार दो। उतार दी हैंड ब्रेक। न्यूट्रल न्यूट्रल न्यूट्रल। हाँ थोड़ा मोमेंटम आगे लो ना, फिर आगे खींचेंगे ना ये। चलो 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 रस्सी खींच रही है वो। रस्सी टूट ना जाए बस। ओके परफेक्ट। थोड़ा थोड़ा ब्रेजा थोड़ा और तेज खींचो। खींचते रहो ब्रेजा। थोड़ा क्लच दबा के रेस खींच दो भैया ब्रेजा की। भैया क्लच दबा के रेस दो थोड़ी ब्रेजा की। क्लच दबा के रेस दबा दो ब्रेजा की। दूजा गाड़ी स्टार्ट है। ब्रीजा ब्रीजा ऑफ होगी ना। रेस दे दो। नहीं वो टायर खींच जाते हैं। थैंक गॉड, अगर ये सब लोग ना होते तो भाई आज यहीं खड़ा होना पड़ता सिर्फ उसी गाड़ी की वजह से। नहीं तो सारे पेंट्स तो हम क्रॉस करते आए ही हैं। अभी हम सारे टर्न्स बहुत ही इजीली चढ़ पा रहे हैं। बस अगर वो कार बीच में ना आती ना, या पहले वो कहीं साइड पे ले लेती अपनी जगह, तो वैसे ही चढ़ते रहते। बस हल्का सा मोमेंटम चाहे कार का लूज़ हो चाहे बाइक का, मतलब मोस्टली टू व्हील ड्राइव जो कि हमारी है। अब ये बहुत ज़्यादा इंक्लाइन है, अब मोशन में रहेगी तो चढ़ ही जाएगी जैसे अभी चढ़ी है। और अभी 10-12 बेंड्स तुम कम से कम चढ़ा के आए हैं। सो गाइस हम पहुंच रहे हैं सिंगुला सिंगला पास 16,590 फीट की ऊंचाई पे। और अभी सबसे पहले मैं पहुंचा था, फिर हमारे भाई पहुंचे हैं पल्सर RS लेके। और पूरे रास्ते में एक यहाँ हमें धूप मिली है, तो पूरे रास्ते भाई साहब बिना धूप के ना ऐसी ठंड लगी जा रही थी ना इस जगह पर। जगह देख लो क्या फाट जगह है भाई साहब। और इसके बाद तो बस हमें उतरना है, जो कि हमारा रास्ता वहाँ से है नीचे जाता जाएगा जाता जाएगा। तो आप लोगों को मिलते हैं आगे रास्ते में कहीं। तो अभी हम पहुँच चुके हैं फुताक्सर। क्या है फुताक्सर, क्या बताया था भैया नाम? फुताक्सर तो फुतोक्सर। तो अभी हम पहुंच चुके हैं फुतोक्सर और सिंग्याला ढाबा है ये। 3 मिनट और बता रहा है। ओह नो नहीं मार देंगे। अच्छी एक्सपेक्टेड था कभी कुछ ऐसा? ठंड लग रही है आज, लग रहा था 2-3 घंटे में पहुंच जाएंगे, पूरा दिन लग जाएगा आज। इसको लग रहा था जल्दी पहुंच के होटल में पहुंच जाएंगे शाम को, ऐसे लग रहा था। यही तो सोच के निकले थे। क्या बे, मुझे बता दिया था तो भाई मैं आज कल सुबह निकलता, आज नहीं निकलता। क्या कह रहा, घर निकल जाता मैं कल सुबह निकलते यहाँ के लिए, मैं आज निकलता भी नहीं अगर ऐसा सीन होता तो। भाई तो जैकेट और सब मैच कर रहा है, हेलमेट। आ जाओ लवली पीपल, फुतोक्सर में आपका स्वागत है। आ जाओ मैगी बनवा रहा हूँ। बोलेगी फौज करेगी मौज। बोलेगी फौज करेगी मौज। नहीं करेगी 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 बोलना करेगी।
अरे बाइक वालों को पूछ लो, उसके बाद मालूम पड़ जाएगा। गाड़ी वाले तो सब मौज बोलेंगे, बाइक वालों को पूछो। भैया आपका नाम क्या है? भैया क्या नाम है आपका? हमारा नाम सोनम ज्ञानसन। सोनम, ये सोनम का नाम बड़ा सही लगता है मेरे को। सोनम, सोनम अभी अपने चार बनाए ना, सोनम कपूर, सोनम पांचो, सोनम कपूर। अभी मैं बोलू ना, सोनम लक्ष्य भैया पहले इसमें पानी आग लगी है बस्ती में, हम अपनी मस्ती में। एक बार दोबारा बोलूंगा, आग लगी है बाहर बस्ती में, हम अपनी मस्ती में। आग नहीं लगी है पर सही में, ठंड लगी है, आग नहीं लगी है भाई। खोलो भाई, अरे बात बताऊं, दिस इज बियॉन्ड इमेजिनेशन। वो तार कैसे उतारी देखी, तार कैसे उतरी? पिछली बार मैंने वहां से बाइक चढ़ाई, क्योंकि सारे पजेरो फोर्चुनर चढ़ा रहे थे, मैंने चढ़ाई हल्की सी, 2-3 मीटर की ऐसे पलट गई, पलट गई। बट दिस इज बियॉन्ड अवर इमेजिनेशन। थार को जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा दे रही है। अरे गुजरात से सोच के तो नहीं आया था ना भाई, ऐसा होगा? नहीं नहीं, कुछ भी सोच के नहीं आया था, एक्सट्रीम ट्रिप है हमारी। लीजिए लीजिए भैया, गरम थोड़ा खाइए। और चल सर, इसमें पानी डालो भाई। डस्ट मैन भाई, तुम्हारा कलर अजीब लग रहा है, कपड़ों का अलग लग रहा है। कोई बात नहीं, पहले पानी थोड़ा उबालो, पहले मैगी वो डालो।